शुक्ला जी एक शिक्षक थे और इस समय उनका ट्रांसफर हुआ था। वे सब बल्लमगढ़ से मायापुर जा रहे थे। आज उनका एक नए घर में प्रवेश था। सफर करते करते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। लगभग 1 किलोमीटर तय करने के बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। वे सभी कार से बाहर आते हैं और अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। लंबा सफर तय करने के कारण सभी लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे चुनकर सोने चले जाते हैं। नेहुल रोज की तरह आज भी देर से सोने वाला था, क्योंकि वो रोज रात को मूवी देखने के बाद ही सोता था। मोबाइल पर वीडियो देखते देखते उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। तभी नेहुल का दरवाजा बजता है, लेकिन नेहुल वीडियो में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी दरवाजा तेजी से बजता है। आवाज सुनकर नेहुल कान पर से हेडफोन हटाता है तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। नेहुल फिर से हेडफोन अपने कान में लगा लेता है और वीडियो देखने लगता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। नेहुल को फिर से महसूस होता है कि दरवाजे से फिर आवाज आ रही है। कौन है? अरे जवाब दो, कौन है वहां? जरूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा मुझे डराने के लिए। नेहुल सब कुछ बंद करके सो जाता है, ये समझकर कि शायद दरवाजे पर उसकी बहन पिंकी उसके साथ मजाक कर रही है। दूसरे दिन शुक्ला जी टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं। शुक्ला जी को देखकर सभी समझ जाते हैं कि शुक्ला जी इस गांव में नए आए हैं। उन लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी ने कहा, शुक्ला जी इस गांव में 6 के बाद घूमना मना है, क्योंकि 6 के बाद यक्षिणी का समय होता है, हमारा नहीं। आपको तुरंत ही घर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम भी अब घर जा रहे हैं। यक्षिणी? यक्षिणी क्या है? कहना क्या चाहते हो? यक्षिणी एक चुड़ैल है जो 6 बजे के बाद इस गांव के अंदर घूमती है। जो भी उसके जाल में फंसता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। यक्षिणी ज्यादातर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है जो फिर कभी नहीं मिलते। गांव वाले यक्षिणी के बारे में शुक्ला जी को सब कुछ बताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम के 6 बजने से पहले शुक्ला जी भी घर आ जाते हैं। अचानक से शुक्ला जी को नेहुल का ख्याल आता है। नेहुल अब तक घर आया ही नहीं था, वो गांव के नए दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। यार कोई लड़की वड़की हो तो मेरी भी सेटिंग लगवाओ, इस गांव में कोई खूबसूरत लड़की नहीं है क्या? गांव के लड़कों में से एक लड़का नेहुल का मजाक बनाते हुए कहता है, भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत तो एक ही लड़की है इस गांव में, जो हर रोज रात को निकलती है। अगर उससे बात कर ली तो सारी रात तुम्हारे बिस्तर पर होगी। उसका नाम क्या है? उसका नाम यक्षिणी है। कहते हैं कि उसका शरीर इतना आकर्षित है और सुंदर है कि कोई भी अपने आप को उसके पास जाने से नहीं रोक पाता। पर ध्यान देना दोस्त, वो कोई आम लड़की नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक डायन है जो तुझे कच्चा निकलने में जरा देर भी नहीं लगाएगी। भूल कर भी उसके पास मत जाना, और अगर तूने उसका दिल जीत लिया तो वो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। नेहुल ये सुनकर यक्षिणी के लिए और भी मोहित हो जाता है। वो अब यक्षिणी से मिलना चाहता था। अंधेरा होने से पहले सभी लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन नेहुल रास्ते में लौटते वक्त यक्षिणी को खोजता आ रहा था, पर उसे यक्षिणी नहीं मिलती। कुछ समय बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद नेहुल को बहुत डांट पड़ती है। नेहुल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और यक्षिणी को मन ही मन याद करने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान उस यक्षिणी पर अटका पड़ा था। तभी खिड़की के बाहर से पायल की आवाज आती है। नेहुल पायल की आवाज सुनकर उत्साहित होकर खिड़की के बाहर देखता है। उसने देखा कि एक जवान लड़की लाल रंग के जोड़े में बाहर अंधेरे में चल रही है। नेहुल उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी। उसका सौंदर्य किसी भी नर को आकर्षित करने के लिए काफी था। नेहुल भी उसके सौंदर्य में आकर्षित हो जाता है। नेहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है।
वो लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर उसका मन बहकता जा रहा था। वो बस यही चाह रहा था कि एक पूरी रात के लिए वो लड़की उसके बिस्तर पर हो। वो लड़की अंधेरे में आगे चलती जा रही थी। निहुल भी उसके पीछे पीछे मोहित होकर चलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की एक पेड़ के पास जाकर गायब हो जाती है। निहुल उसे तड़पती आंखों से ढूंढने लगता है, पर वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं थी। अचानक अंधेरे में से एक कोने से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। कुत्तों की आवाजें सुनकर निहुल होश में आ जाता है, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं कि वो अब तक क्या कर रहा था और यहाँ क्यों आया है। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? निहुल घने जंगलों से आने वाली आवाजें सुनकर घबरा जाता है। उसकी आंखों में अब डर था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। तू मेरे साथ आज सोना चाहता था ना, आज चल मेरे साथ, तुझे मैं जन्नत की सैर कराती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा फिर से कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगा। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। मुझे तेरे जैसे ही किसी नौजवान की तलाश थी। निहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस डरा हुआ यक्षिणी को देखे जा रहा था। यक्षिणी उसे धन दौलत देने का लालच देती है। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगी। बदले में मुझे तेरा साथ चाहिए। तुझे हर रोज मेरे साथ सोना होगा। निहुल हवस भरी निगाहों से उसे देखता है और लालच में आकर यक्षिणी की बात मान लेता है। उसे फिर एक बार कहती है, मैं एक बार तेरी जिंदगी में आ गई तो मरने के बाद भी तुझे मेरा बनकर रहना होगा। निहुल को उस वक्त सिर्फ ऐश और आराम नजर आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात मान लेता है। अगली सुबह जब निहुल की आंख खुली तो वो अपने बेड पर होता है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने अपने पास एक पैसों से भरा बैग पाया। पैसों से भरा बैग देखकर निहुल चौंक जाता है। इस तरह से तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इसका मतलब यक्षिणी सच बोल रही थी। निहुल और यक्षिणी के बीच अब हर रोज शारीरिक संबंध होने लगे और हर दिन एक पैसों से भरा बैग रखा मिलता। निहुल की जिंदगी मजे से कट रही थी। वो अपने दोस्तों में खूब पैसे उड़ाने लगा। निहुल ने अलग अलग तरह के नशे करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता से झगड़ा कर लिया और अलग रहने लगा। अब वो अकेला ही रहता था। घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, मगर अब वो पहले जितना तंदुरुस्त नहीं रह गया। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक आयशा नाम की लड़की से हुई। निहुल को उसको देखते ही प्यार हो गया। कुछ मुलाकातों के बाद आयशा भी निहुल को पसंद करने लगी थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहुल आयशा से शादी करने का इरादा पक्का कर लेता है, क्योंकि निहुल अपनी पुरानी जिंदगी से तंग आ चुका था। अब वो यक्षिणी से छुटकारा पाना चाहता था। यक्षिणी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। निहुल, मैंने जो तुम्हें धन दौलत और ऐश और आराम की जिंदगी दी है, उसके बदले तुमने मुझे शारीरिक संतुष्टि देने का वचन दिया था। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश पूरी करता हूँ तुम्हें संतुष्ट करने की, लेकिन मैं अभी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझसे अब नहीं होता, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। यक्षिणी एक खूबसूरत औरत से चुड़ैल बन जाती है, जिसे देख कर निहुल डर से कांपने लगता है। छोड़ दो मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब तेरा दिल किसी और पर आ चुका है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। यक्षिणी इतना कहकर गायब हो जाती है।
नेहुल जल्दी जल्दी आयशा को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो उसके घर पहुंचता है। मगर नेहुल ने आने में बहुत देर कर दी। उसने देखा कि आयशा का शरीर पंखे से लटक रहा है। वो दौड़कर उसके पैरों को थाम लेता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थी और शरीर ढीला पड़ चुका था। नेहुल जोर जोर से रो रहा था। वहीं एक कोने में खड़ी यक्षिणी उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मेरी वजह से इस बेकसूर को क्यों मारा तूने? तू सिर्फ मेरा है, मेरा। तुझे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो कोई हमारे बीच आएगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अब और तेरा गुलाम बनकर नहीं जी सकता। इतना कहकर नेहुल ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और खुद को शूट कर दिया। नहीं। यक्षिणी से बचने के लिए नेहुल के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है।